कल दिनांक 3/5/2023 को हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है वो कुछ नशीली पदार्थ का तस्करी करके यहाँ बोकारो में उसका बिक्री करने के लिए आए हैं। उसके आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार अंचलाधिकारी चास, थाना प्रभारी चास एवं अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा एक छापामारी टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 60 ग्राम जो है ब्राउन शुगर बरामद किया गया। ये बरामदगी जो है हम लोगों का चास थाना क्षेत्र में दरगाह पुल के समीप कमलेश यादव है और दीपक कुमार। कमलेश यादव जो है वो आपका आरा भोजपुर का रहने वाला है और इसके साथ में दीपक कुमार पासवान है जो कि यहाँ स्थानीय है, कुर्मीडी बालीडी का रहने वाला है। कुंदन कुमार है वो भी आपका भोजपुर का ही रहने वाला है और इनके साथ में इन्होंने एक महिला अमृता देवी को भी लेकर आए हैं जो कि इनकी सहयोगी है, वो भोजपुर आरा की रहने वाली है, बिहार की। ये लोग किस तरह से यहाँ बेचता था, क्या करता था? हाँ, ये लोग यहाँ इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। स्थानीय लोगों से ये लोग संपर्क करके उनको ये नशीले पदार्थ यहाँ पर बिक्री करते थे। निरंतर रूप से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो यूथ हैं उनको नशीला पदार्थ यहाँ दिया जा रहा है, जिसके आलोक में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।